गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स. सो टुडे विल स्टार्ट चैप्टर 14 मेजरमेंट. वी हैव लर्नड अबाउट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी इन प्रीवियस क्लासेस. लेट्स रिकॉल. मेजरमेंट का मीन होता है मापना. एंड प्रीवियस क्लास में हमने लेंथ मीन्स होता है लंबाई, वेट कोई चीज़ भारी है वजन उनका, एंड कैपेसिटी सो लिक्विड को जो मेज़र करना होता है कि मीन्स इस बोतल कोई बोतल है उसकी कैपेसिटी कितनी है, कितना लिक्विड उसमें स्टोर हो सकता है. सो ये इनको मेज़र करना वो हम स्टडी कर चुके हैं. एंड अभी हम उसको अगेन रिकॉल करेंगे. एक्सरसाइज 1. डू यू रिमेंबर फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स. सो 24 मीटर है यहाँ. मीटर मीन्स लेंथ की यूनिट है. एंड इनको सेंटीमीटर में राइट करना है. सो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं. सो देन 24 मीटर में हो जाएंगे 2400 सेंटीमीटर. देन बी 9 किलोमीटर. एंड इनको मीटर में राइट करना है. सो किलोमीटर अगेन लेंथ यूनिट है. सो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं. देन 9 किलोमीटर इक्वल्स टू 9000 मीटर. देन सी 4 किलोग्राम इक्वल्स टू ग्राम. सो यहाँ वेट है किलोग्राम. सो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है. तो देन 4 किलोग्राम में 4000 ग्राम. एंड डी लीटर है यहाँ कैपेसिटी. सो 1 लीटर में 1000 मिलीलीटर होते हैं. सो 5 लीटर में हो जाएंगे 5000 मिलीलीटर. नाउ सेकेंड क्वेश्चन, मधु ट्रैवल्ड 23 किलोमीटर 200 मीटर बाय कार एंड 48 किलोमीटर बाय बस टू रीच हर होम. सो हाउ मच डिस्टेंस डिड शी ट्रैवल इन टोटल. सो कार से मधु 23 किलोमीटर 200 मीटर रन कर रही है एंड बस से 48 किलोमीटर. सो इनको हम प्लस करेंगे टोटल है तो. एंड 23 + 48 किलोमीटर है यूनिट. सो इनका सम हो जाएगा 71 किलोमीटर. एंड मीटर में ओनली 200 ही है. सो 71 किलोमीटर 200 मीटर टोटल ट्रैवलिंग मधु ने करी है. देन थर्ड क्वेश्चन, सब्ट्रैक्ट करना है 9 किलोग्राम 450 ग्राम फ्रॉम 11 किलोग्राम 664 ग्राम में से. सो 11 किलोग्राम 664 ग्राम में से हमें इनको माइनस करना है. सो किलोग्राम 11 - 9 हो जाएंगे 2 किलोग्राम. एंड 664 ग्राम है, इनमें से 450 माइनस होंगे तो देन ये डिफरेंस हो जाएगा 214 ग्राम. नाउ फोर्थ क्वेश्चन, अरुण बॉट 1 लीटर 250 मिलीलीटर मिल्क इन द मॉर्निंग एंड 1 लीटर 500 मिलीलीटर मिल्क इन द इवनिंग. सो हाउ मच मिल्क डिड ही बाय इन द होल डे. सो मॉर्निंग में इतना मिल्क लिया है एंड इवनिंग में इतना. सो होल डे मीन्स कंप्लीट डे में कितना मिल्क बाय किया है, खरीदा है. सो हम इनको प्लस करेंगे. सो 1 लीटर एंड 1 लीटर 2 लीटर एंड 250 मिलीलीटर एंड 500 मिलीलीटर हो जाएंगे 750 मिलीलीटर. ओके सो नाउ वी विल स्टार्ट द नेक्स्ट टॉपिक, मेजरमेंट ऑफ लेंथ. हेयर माय हाइट इज 1 मीटर. द लेंथ ऑफ द बुक इज 18 सेंटीमीटर. एंड The driver is saying the distance between Delhi and Allahabad is 663 किलोमीटर. So यहाँ हम क्या देख रहे हैं, हाइट है, बुक की लेंथ है एंड डिस्टेंस मीन्स दूरी होता है दिल्ली एंड अलाहाबाद के बीच में. सो हाइट को हम मीटर में राइट कर रहे हैं, बुक की लेंथ उनको सेंटीमीटर में एंड डिस्टेंस जो है उनको के एम एन किलोमीटर में राइट कर रहे हैं. सो हमें ये क्लियर हो रहा है कि जो बिगेस्ट मेजरमेंट होते हैं लेंथ में उनको हम किलोमीटर से राइट करते हैं एंड जो सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं उनको स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स को सेंटीमीटर से राइट करते हैं. एंड मीटर जो है वो लेंथ की बेसिक यूनिट हो जाती है. सो द बेसिक यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर. वी मेज़र स्मॉलर ऑब्जेक्ट्स यूजिंग ए स्मॉलर यूनिट विच इज सेंटीमीटर एंड लॉन्गर डिस्टेंस यूजिंग ए बिगर यूनिट विच इज किलोमीटर. नाउ यहाँ एक टेबल बनी हुई है
सो बेसिक यूनिट लेंथ की मीटर होती है जिसका शॉर्ट नेम एम है। देन इसके लेफ्ट डायरेक्शन में है डेकामीटर DAM, हेक्टोमीटर HM एंड किलोमीटर KM। सो बिगेस्ट यूनिट किलोमीटर होता है। नाउ 1000 मीटर, यानी मीटर को हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देन ये होता है 1 किलोमीटर। 100 से मल्टीप्लाई करेंगे इनको, सो 100 मीटर मिलकर बनते हैं 1 हेक्टोमीटर, एंड 10 मीटर मिलकर बनेंगे 1 डेकामीटर। इन सब के बीच में जो डिस्टेंस होता है गैप, वो 10 10 का होता है। सो मीटर को डेकामीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, एंड मीटर को हेक्टामीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 and 10 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, एंड मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए 10 10 and 10 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। नाउ मीटर से जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है वो उनके राइट डायरेक्शन में आती है। सो डेसीमीटर DM, सेंटीमीटर CM एंड मिलीमीटर MM। सो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट मिलीमीटर होती है। नाउ यहाँ भी डिफरेंस 10 का ही होता है। अब अगर हम डेसीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं सो 10 से डिवाइड करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाएगा, एंड मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करेंगे। सो यहाँ क्या क्लियर हो रहा है हमें, बिगर यूनिट को स्मॉलर यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, एंड स्मॉलर को बिगर में कन्वर्ट करते हैं तो डिवाइड किया जाता है। नाउ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ आर मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। सो ये ही यूनिट्स ज़्यादातर यूज़ में आती है। नाउ 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, एंड 1 मीटर इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर कहाँ होते हैं, रूलर में होंगे हमारी स्केल में, ये जो होते हैं 1 2, सो इस तरह से ये सेंटीमीटर होता है। एंड सेंटीमीटर के 2 नंबर्स जो सेंटीमीटर में होते हैं उनके बिटवीन में ये जो लाइंस होती है वो मिलीमीटर होती है। लुक एट द रूलर, ईच सेंटीमीटर इज डिवाइडेड इंटू 10 smaller units। सेंटीमीटर जो होता है वो 10 मिलीमीटर से 1 सेंटीमीटर बनता है। सो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मिलीमीटर। सो मिलीमीटर इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लेंथ। सो मिलीमीटर लेंथ की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट हो जाती है। नाउ एक्सरसाइज 2, सर्कल द करेक्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड मुंबई। दिल्ली एंड मुंबई डिस्टेंस हम मेज़र करते हैं किलोमीटर में, सो इनकी करेक्ट यूनिट किलोमीटर है। देन लेंथ ऑफ अ पेंसिल, पेंसिल की लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेज़र कर पाएंगे, सो सेंटीमीटर। देन लेंथ ऑफ अ पार्क, पार्क की लेंथ मीटर में मेज़र होती है। देन थिकनेस ऑफ अ बुक, बुक की जो थिकनेस है, कितनी मोटी है बुक, वो हम सेंटीमीटर में मेज़र कर सकते हैं। देन लेंथ ऑफ योर डेस्क, डेस्क है उसकी लेंथ कितनी होगी, सो वो भी हम, डेस्क छोटी है, टेबल नहीं है वो, सो हम उसको सेंटीमीटर में मेज़र कर सकते हैं।